मुंबई में नागरिकता कानून के खिलाफ आज़ाद मैदान में जुटे हज़ारों लोग। मैं हूँ सैयद नकी हसन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 ऑनलाइन मीडिया। महामोर्चे में उपस्थित मंच से मौलाना फैयाज बाकिर ने अपनी तकरीर में कहा कि भाइयों और हमारी बहनों, आज आप लोग पूरे बॉम्बे से इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम अपनी हुकूमत को बता दें कि NPR, NRC और CAA किसी भी हाल में हमको कबूल नहीं। न ये कि आज बात सिर्फ इन धाराओं और इन चीजों की है, आज बात यहाँ तक पहुँच गई कि आज हमारी मौजूदा हुकूमत हमारे मुल्क की एक एक चीज बेच रही है। लिहाजा हमें सिर्फ कानून की हिफाजत नहीं, पूरे मुल्क की हिफाजत करनी। ये अजीब बात है कि आने वाला जब आया था तो चौकीदार बन के आया था, आज वो मालिक मकान को ही घर से निकालना चाहता है। हम बताना चाहते हैं कि चौकीदार चौकीदार होता है, मालिक मकान होता है। चौकीदार बदले जाते हैं, मालिक मकान नहीं बदले जाते। अगर किसी को बदलना होगा तो इन सियासी पार्टियों को बदलना होगा कि जो आज हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। देश की जनता देश में ही रहेगी, देश से बाहर कहीं नहीं जाएगी। ये जो सोच है, ये जो जंग है, ये एक सोच की जंग है, एक थॉट की जंग है, एक फिक्र की जंग है। आज हमारे मुल्क में ये RSS और संघ की जंग, ये जो इसकी सोच जन्म ले रही है, ये पूरे मुल्क को खराब कर रही है। पूरे मुल्क में नामी के हालात पैदा हो रहे हैं। आज वो लोग कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस सोच के खिलाफ आवाज उठाएं। इसलिए कि ये वो सोच है कि जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क हमारा कमजोर हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे जब हमारा मुल्क कमजोर होगा तो वो मुल्क कि जो हमारे दुश्मन है उनको हमारे ऊपर कंट्रोल करने में आसानी होगी, ये उनके लिए रास्ते खुल रहे। ऐसी सूरत में आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें। और ये एक ऐसा आंदोलन है कि जिस आंदोलन में ये मर्द तो कभी कभी निकल आते हैं, वरना इस आंदोलन में जो रोल हमारी औरतों का है, जो हमारी बहनों का है, कि आज दुनिया के आज हिंदुस्तान के हर शहर में एक शाहीन बाग है कि जहाँ बैठ के ये औरतें इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। और ये हुकूमत हर शाहीन बाग से डर रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कि दिल्ली इलेक्शन में एक मुद्दा बनाया गया था कि शाहीन बाग को खाली करवा देंगे, लेकिन ये हुकूमत हार गई, शाहीन बाग नहीं हारा। ये हुकूमत इतनी कमजोर, इतनी पस्त हुकूमत है कि आज वो हमारी औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा अगर हम ये बात कहें तो शायद गलत नहीं होगी कि जब किसी की नामर्दी को जाहिर करना होता था तो हम लोग कहते थे कि चूड़ियां पहन लो, उसको चूड़ियां भेजते थे। लेकिन आज इस हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते कि तुमको चूड़ियां भेजेंगे, इसलिए कि इनको चूड़ियां भेजना ये चूड़ियों की तौहीन है, ये चूड़ियों के मुकाबले में भी नहीं खड़े हो सकते। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।